गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, आप सभी कैसे हो? बढ़िया हो? आप सभी दूसरी कक्षा में हो, ठीक है? और अभी हमारा हिंदी का पीरियड है, तो बच्चों आज हम कुछ नया सीखने वाले हैं। हाँ, आप तैयार है सब? वेरी गुड। तो बच्चों देखो, आज हम देखने वाले हैं एक नई मात्रा जो कि हमारा है पाठ क्रमांक 13, ठीक है? हम लेसन नंबर 13 लिखने वाले हैं। तो बच्चों ये इस जो ये जो मात्रा है ना, इसको हम चंद्रबिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं? चंद्रबिंदु। तो आज हम चंद्रबिंदु इस मात्रा की हम पहचान करने वाले हैं, इसका अच्छे से अध्ययन करने वाले हैं, ठीक है बच्चों? हाँ, तो यह जो चंद्रबिंदु है, यह जो मात्रा है, इसका हम परिचय करेंगे, ठीक है? तो बच्चों देखो, आप यदि पेज नंबर 71 निकालोगे तो उसको उस पर आपको ये चित्र दिखाई देंगे। तो पहला चित्र है अंगूठी का, ठीक है, जो हाथ में पहनते हैं। हाँ, उसके बाद है आ, हाँ, उसके बाद है ऊ, उसके बाद है सा। तो इस प्रकार यहाँ पे ये चार चित्र दिखाई देंगे आपको, और इन चारों चित्रों में आपको, इन चारों शब्दों में आपको हमारी जो ये मात्रा है चंद्रबिंदु की, ये दिखाई देगी, ठीक है? यदि आपने अच्छे से देखा तो आपको यह पता चलेगा कि ये जो मात्रा है वो शिरोरेखा के ऊपर दी जाती है। चंद्रबिंदु, यह मात्रा शिरोरेखा के ऊपर दी जाती है, ठीक है? उसके बाद देखो, बोल बोल कर पढ़ो। क्या है यहाँ पे? बोल बोल कर पढ़ो। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पर लगभग 1 से 20 शब्द यहाँ पे दिए हुए हैं, ठीक है? तो ये जो 20 शब्द है, ये आपको अच्छे से बोल बोल कर क्या करने हैं, आपके कापी में लिखने हैं, ठीक है? मैं आपको दिखाती हूँ कि किस प्रकार आपको ये शब्द अच्छे से लिखने हैं। यहाँ पे देखो, हाँ, ये कितने शब्द है? लगभग 1 से 20 तक है, और ये आपको गुड हैंडराइटिंग में यानी कि अच्छे हस्ताक्षर में आपको लिखने हैं, ठीक है? हाँ, इसके बाद हमारी कार्य की है, आज हम इसी मात्रा की यानी कि चंद्रबिंदु इस मात्रा की आज एक कहानी देखने वाले हैं। क्या देखने वाले हैं? कहानी। और आप सभी को कहानी बहुत अच्छी लगती है, ये मुझे मालूम है, ठीक है बच्चों? हाँ, तो चलो अभी हमारी कहानी का नाम क्या है? हाँ, हमारी कहानी का नाम है गांव का मेला। आपने कभी मेले में गए हो आप सब? आपने कभी मेला देखा है? हाँ, जिसको मराठी में हम क्या कहते हैं? जत्रा, गांवची जत्रा। हाँ हाँ, तो ये जो कहानी है इसमें आपको कई सारे चंद्रबिंदु इस मात्रा के शब्द दिखाई देंगे, ठीक है? तो आप ये जो कहानी है, ये आपको अपने मम्मी को, दीदी को, पापा को, भैया को अच्छे से पढ़कर सुनानी है। ये कहानी आपको 2 बार पढ़नी है। कितनी बार पढ़नी है? 2 बार। और जब आप पढ़ते हो ये कहानी, तब आप क्या करेंगे? हाथ में पेंसिल लेंगे, ठीक है? हाँ, और जहां जहां पढ़ते समय कहानी में इस चंद्रबिंदु का शब्द आता है, तो इसके नीचे आप क्या करोगे? अंडरलाइन करोगे, ठीक है? तो इस प्रकार आप कहानी पढ़ेंगे तो आपको इस तरह से कुछ शब्द मिल जाएंगे, ठीक है? इन सभी शब्दों में आपको यही दिखाई देगा कि यहाँ पे क्या है? चंद्रबिंदु है, यह मात्रा है, ठीक है बच्चों? हाँ, तो चलो अभी हमारे कहानी पढ़ेंगे। चलो अभी आपका ध्यान किधर है? हमारी किताब में, ठीक। चलो देखो, गांव का मेला। आंचल
और साक्षी नानी के गांव गए। गांव में गंगा के किनारे मेला लगा था। मामा जी आचल और साक्षी को मेला दिखाने ले गए। मेले में तरह तरह की दुकानें थी, खिलौने, मिठाइयां, झूले, खेल तमाशे सब कुछ था मेले में। मामा जी ने जलेबियां खरीदी। साक्षी और आंचल ने खूब जलेबियां खाई। आंचल ने गुड़िया खरीदी और साक्षी ने चाबी वाला बर्तन। सूरज की रोशनी में गंगा का जल चांदी की तरह चमक रहा था। गंगा किनारे खड़ा बांसुरी वाला तरह तरह की बांसुरियां बेच रहा था। सांची ने बांसुरी खरीदी। इसके आगे देखो, मेले में लोग हाथी और ऊंट की सवारी भी कर रहे थे। बालक बालिकाएं हाथी की सूंड पकड़ते और हाथी उनको पीठ पर बैठा लेता। आंचल ने मामा जी से ऊंट की सवारी कराने के लिए कहा। मामा जी ने आंचल और साक्षी को ऊंट की पीठ पर बैठा दिया। ऊंट वाले ने उनको ऊंट के बारे में तरह तरह की बातें बताई। झूला झूलकर सभी को खूब मजा आया। मेले में समय का पता ही नहीं चला। सांझ घिर आई थी। दोनों मामा जी के साथ घर की ओर चल पड़े। इस तरह से हमारी ये कहानी है। तो बच्चों, यहाँ पे आप ये चित्र देखो। हाँ, तो यहाँ पे एक आदमी है। ये कौन है? ये मामा जी है। किसके मामा जी है? ये साक्षी और आंचल के मामा जी हैं, ठीक है। और साक्षी और आंचल ये दो जो लड़कियां हैं, वो अपने नानी के गांव यानी कि आजीचा गांव वाले गए। हाँ, और ये दोनों आजीचा गांव वाले गए होते हैं। और ये दोनों ने मामा जी के साथ, मामा जी उनको कहाँ ले गए? मेले में, यानी कि जत्रे मध्य, ठीक है। तो वहाँ पर आचल और साची ने कई सारी मौज मस्ती की है। इस सभी का यहाँ पे वर्णन किया है, ठीक है। तो मेले में क्या होता है? तरह तरह की दुकानें होती है, मिठाइयाँ होती है ना। ऊंट की सवारी हम कर सकते हैं, हाथी की, घोड़े की सवारी हम कर सकते हैं, हम झूला झूलते हैं, गुब्बारे खरीदते हैं, कई सारी मिठाइयों की दुकानें होती है, बहुत धूमधाम रहती है। हाँ, रहती है ना। हाँ, तो आप भी इस तरह से मेले में गए होंगे, है ना। हाँ, तो यहाँ पे ये मामा जी के साथ कौन है? आचल और साक्षी है। और यदि आप दूसरा चित्र देखोगे तो यहाँ पे यह चित्र जो है, यह मेले का चित्र है। हाँ, तो ये कैसा चित्र है? रंगीन है ना, बहुत। हाँ, कितना खूब लगता है ना, बहुत सुंदर है। इसी प्रकार का मेला होता है, ठीक है बच्चों। इसके आगे अभी हमें कुछ अभ्यास करना है। आपको कैसे लगी ये कहानी? बहुत अच्छी है ना। तो यहाँ पे अब हमें कुछ अभ्यास करना है। तो ये अभ्यास में लगभग 5-1 वाक्य में उत्तर है, बताओ और लिखो। तो ये जो 5 सवाल है, इनके जवाब आपको अच्छे से लिखने हैं, ठीक है। तो हमारा पहला सवाल है, देखो पढ़ो अच्छे से, बताओ और लिखो, बताओ और लिखो। तो पहला सवाल है,
आंचल और साक्षी कहाँ गई थी? अभी आपको मालूम है? हाँ, आंचल और साक्षी नानी के गांव गई थी। हाँ, उसके बाद हमारा दूसरा सवाल है, आंचल और साक्षी ने क्या खाया? आंचल और साक्षी ने खूब जलेबियां खाई। गंगा किनारे कौन खड़ा था? गंगा किनारे बांसुरी वाला खड़ा था। उसके बाद हमारा चौथा सवाल है, गंगा का जल किसकी तरह चमक रहा था? गंगा का जल चांदी की तरह चमक रहा था। और हमारा पांचवा सवाल है, आंचल और साक्षी ने किसकी सवारी की? आंचल और साक्षी ने ऊंट की सवारी की। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे आपको एक वाक्य में जो उत्तर होते हैं, बताओ और लिखो, ये हमारे पूरे होते हैं। लेकिन इसके बाद आपको ये सवाल नंबर दूसरा दिखाई देगा, है ना? हाँ, तो हमारा दूसरा सवाल क्या है? बहुत ही आसान है। देखो, पेंसिल फिराओ और बोलो। तो आपको यहाँ पे ट्रेसिंग करना है पेंसिल से, ठीक है? हाँ, और ये आपको बोलना है। यहाँ पर भी आप देखोगे तो चंद्र बिंदु वाले ये शब्द आपको दिखाई देंगे। हाँ, मैंने देखो यहाँ पे कितने सारे शब्द आपके लिए लिखे हैं जो हमारे इस कहानी में है। हाँ, इसके बाद देखो चित्रों के नाम लिखो, बहुत ही आसान है। यहाँ पे कितने चित्र हैं? एक, दो, तीन, तीन ही चित्र है सिर्फ। हाँ, तो इन तीन चित्रों के आपको शब्द लिखने हैं, ठीक है? तो यहाँ पे देखो, अभी हमारा यह अभ्यास तो पूरा हो गया। इसके बाद हमारी बारी है हमारे वर्कशीट की, जो बहुत ही आसान है। यहाँ पर भी आपको यह चित्र देख देख कर इनको पहचान कर इनके नाम लिखने हैं। चित्रों पहचान कर चित्रों के नाम लिखो। एक, दो, तीन, चार, सिर्फ चार चित्र है यहाँ पे, ठीक है? इसके बाद दूसरा सवाल हमारे वर्कशीट का है, यहाँ पे छह शब्द दिए हुए हैं, पर ये शब्द जो है ये आधे अधूरे हैं, इन पर मात्रा नहीं दी हुई है। हाँ, तो यही शब्द आपको यहाँ पे मात्रा लगा कर लिखनी है, ठीक है? और आप कौन सी मात्रा लगाएंगे यहाँ पे? हाँ, ये मात्रा लगाएंगे, कौन सी? चंद्र बिंदु की, ठीक है बच्चों? ठीक है, तो आज हमने चंद्र बिंदु, ये जो हमारी नई मात्रा थी, इसकी हमने अच्छे से पहचान की है और अच्छे से अध्ययन भी किया है। अभी इस मात्रा की आपको अच्छे से पहचान हो चुकी होगी, है ना बच्चों? हाँ, तो अच्छे से आप सब पढ़ाई करो। तो मैं आपको क्या देने वाली हूँ? हाँ, मैं आपको देने वाली हूँ बड़ा सर, मैं आपको देने वाली हूँ बड़ा सर। तो आप सभी को बड़ा सर चाहिए ना? हाँ, तो अच्छे से पढ़ाई करो, ठीक है बच्चों? थैंक यू।